एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी को बहुत अच्छे होंगे। मैं डोरीस आप सभी से मिल रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी 6:15 और आज कितना तारीख है? आज है तारीख 27 जुलाई। तो मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ गाइस, क्योंकि देखिए इतना अच्छा वेदर में किसको उठने मन करेगा। इतना अच्छा मैंने सोने में मजा आ रहा था, रिमझिम बूंदा बारिश और ये शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा, तो फैन का जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने खिड़की वगैरह उधर का दरवाज़ा खोल के सोते, इतना अच्छा हवा घुस रहा था। तो आज थोड़ा लेट उठी हूँ गाइस, और आज थोड़ा मैंने राजीव को भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इधर देखिए सो ही रहे हो, अभी तक सो ही रहे, तो उठाऊंगी नहीं अभी 7:30 को, 7 बजे तक उठाऊंगी वो को, मैंने ईब उठ जाएगी उस टाइम। तो मैं ही गाइस, और लेट भी उठी हूँ तो बहुत सारा काम है मेरा, योगा वगैरह हो गया। उठने के लिए तो मैं 5 बजे उठी हूँ, बट योगा सब करते करते टाइम लग ही जाता है। क्लीन अप हो गया है मेरा, अभी जाती हूँ डायरेक्ट किचन में, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। नाश्ता में आज मैं बनाने वाली इडली, रवा इडली, जो कि मैंने कल रात को ही भिंगो के रख दिया था। तो यही गाइस अभी, बट मैं उसको वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, सिलीगुड़ी का वेदर बहुत अच्छा हो गया अभी। मैंने कल से उतना गर्मी भी नहीं है, और प्लस मैंने इस टाइप से पानी, मैंने बारिश और हल्का हल्का बारिश होने से इसे वेदर बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि अभी बारिश से ना हो, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाएंगे गाइस, तो इसीलिए फटाफट से। एनीवे गाइस, फिर चलिए फिर मॉर्निंग रूटीन करते हैं, किचन में घुस जाती हूँ डायरेक्ट। गाइस यहाँ पे मेरा चाय भी रेडी होने को है, और अजीब भी उठने के बाद फ्रेश हो रहे हैं, और मैं इधर सब्जी भी काट रही हूँ। सब्जी काट के मैंने एक साइड में सब्जी बिठा देने से एक साइड में खाना भी बनते रहेगा, तो क्योंकि सुबह से हड़बड़ी होता है, तो मैं इस टाइप से अपना खाना, मैंने इबू को जाने से पहले खाना कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे दोनों जन के लिए चाय बन गया है, तो चाय पी लेते हैं। तो आ जाइए गाइस आप लोगों के लिए, आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा ये कप ना बेजोड़ा हो गया, मैंने इबू उस दिन तोड़ दिए बड़ा वाला कप, तो राजीव को बड़ा वाला कप में चाय चाहिए होता है, क्योंकि उसको गर्म नहीं पी पाते हैं, तो उसको जल्दी ठंडा होना चाहिए, तो इसलिए वो बड़ा वाला कप में चाय पीते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ मैंने बिस्किट और कुछ मैंने जो चटर पटर निकाल लेती हूँ, क्योंकि भूख तो लगी ही है और नाश्ता इतना जल्दी तो नहीं खा पाएंगे। हालांकि खाना चाहिए हम लोगों को इतना, मैंने नाश्ता 7:30 तक, बट हम टाइम उतना होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आंटी ना बिहार से, मैंने बिहार गई थी तो गए थे अंकल जी, तो आंटी ये सब ला दी है बिहार से। तो ये भुजिया बोलते हैं उधर, ये क्या बोलते हैं, ये होता है भुट्टा का बनता है, और ये सब वहाँ पे फेमस होता है, छोला घर में बनाया जाता है। तो आंटी जब भी मैंने कोई बिहार जाने से मेरे लिए सप्लाई देती है। तो गाइस चाय पीने के बाद वापस किचन में डायरेक्ट आ गई हूँ, और यहाँ पे दूध वाला भैया भी आ गए थे, तो दूध भी बैठा दी हूँ। और अभी 7 बजने वाला है, तो इबू को मैंने राजीव उठा के उसको ब्रश वगैरह सारा करा देंगे, ड्रेस वगैरह राजीव ही करा देते हैं। तो साथ साथ मैं नाश्ता भी बैठा दी हूँ, और नाश्ता में मैं बना रही हूँ रवा इडली, जो कि मैंने कल रात को ही दही से फेंट के रख दिया था। थोड़ा ही मेरे पास ज़्यादा सूजी नहीं था, तो मैं थोड़ा ही मैंने बना रही हूँ, तो हम इबू के लिए भी 3-4 पीस लेंगे और लेके जाएगी, उसके बाद हम लोग के लिए भी हो जाएगा ये नाश्ता। तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी हम लोग के लिए बाद में। सो गाइस यहाँ पे मैंने पपीता और आलू का सब्जी मैंने बिठा दिया है रिबू के लिए। मैं आज थोड़ा सा दाल बनाऊँगी और बाद में छोकूँगी, आज मैं बॉईल करके जस्ट उतारूँगी दाल को। और यहाँ पे दो घर मैंने घरौला बचा था मेरे पास, तो उसको भी मैं बना ले रही हूँ। और रिबू ना इसमें झाल नहीं डाल रही, वो भी खाती है बढ़िया से, तो इसलिए मैं इसको स्टेप से थोड़ा सूखा सूखा ही उतारूँगी, अभी तक पका नहीं है, बट रिबू को भी बहुत अच्छा लगता है ये सब। गाइस मेरा अंदर का सारा क्लीनअप भी हो गया है, खाना वाना बनने के बाद मैंने अंदर पोछा करने के बाद यहाँ पे मैंने पोछा लगा रही हूँ, सीढ़ी उड़ी सारा पोछा हो गया मेरा। हे गाइस, तो मैं नहा करके आ गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 10 मिनट बचा है 1 बजने के लिए, और जस्ट अभी मैं नहा करके आई हूँ। तो आज मैं टोटो में जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, और बहुत सारा आज मैंने साफ सफाई का काम किया है, ऊपर 3 तला ऊपर से सीढ़ी झाड़ू पोछा सारा हो गया, मेरा रूम वगैरह भी झाड़ू पोछा सारा हो गया है। और कपड़ा भी राजीव पास कपड़ा धो दिए थे, तो मैं खाली सुखाई थी नहीं धोई थी। तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ गैस, उसके बाद मिलूँगी। तो मैं कंघी तो नहीं की हूँ, जस्ट थोड़ा सा चूल को सुखा लिया है मैंने, और फैन चला लिया है, तो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। और मैं यहाँ पर बैठ के चाय पीऊँगी, काफ़ी भूख लग रहा है, इतना सीढ़ी ऊपर चढ़ के फिर झाड़ू करना फिर पोछना, काफ़ी भूख लग गया। सुबह का नाश्ता किया हुआ, बीच में फ्रूट्स भी नहीं खाई थी आज, और ये अभी मैं खा रही हूँ टॉप बिस्किट, तो अभी खा के जाऊँगी। 1 बज गया है, तो 1:30 बजे तक निकलूँगी गाइस मैं।
आके ये भूखो क्योंकि खाना वाना खिलाते ना एक घंटा लग ही जाता है, उसके बाद फिर खाओ तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए खा ले चाय पी लेती हूँ। मम्मी लग रहा है ये लोग को तो आइसक्रीम हम लोग दे दिए हैं क्योंकि एग्जाम के बाद थोड़ा फ्री भी चाहिए बच्चे लोगों को। इस इबू का लंच हो गया है तो मैं अभी लंच कर रही हूँ, तो इबू यहाँ पे कीबोर्ड प्रैक्टिस कर रही है। गाइस यहाँ पे मैं 2 घंटे के बाद मिल रही हूँ आप लोगों के साथ। हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत अच्छे होंगे। मैं शाम से मिल रही हूँ आप लोगों के साथ, अभी टाइम हो रहा है 7:15 और मैं डॉक्टर के पास जाके आ रही हूँ। गाइस अभी मंथ एंडिंग है तो राजीव नहीं गए, मुझको अकेले जाना पड़ा इबू को लेकर के। बाद ना यहाँ पे उसको मैंने बेड, इतना तो उछल कूद करती है ना तो बेड से गिर के ना डायरेक्ट ड्रेसिंग टेबल का जो कोना होता है ना उसमें यहाँ पे चोट लगा था उसको, तो काफ़ी मैंने फूल भी गया। मैं साथ साथ आइस तो पूरा ही लगा दी थी बट से भी मैंने माथा का है ना मैंने ऐसे हेड में इतना ज़ोर से लगी थी तो रिस्क नहीं ले सकते हैं बोल के डॉक्टर को भी दिखाए, तो डॉक्टर बोले कि सिटी स्कैन सब नहीं करने से अच्छा नहीं ज़रूरत पड़ेगा जहाँ तक, बट मैं बार बार बोली कुछ होगा नहीं होगा बोल के, तो तुम लोग का सेटिस्फाई के लिए तो मैं लिख दे रहा हूँ बट मैं दवाई दे रहा हूँ, उस ज़रूरत नहीं पड़ेगा जहाँ तक मेरा पूछो तो मैं ज़रूरत नहीं पड़ेगा उस टाइप से बोल रहे थे डॉक्टर जी। बट पता नहीं क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। अभी राजीव पानी से बात करते हैं, घर वालों से भी बात करेंगे कि सिटी स्कैन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा लोग को अच्छा भी नहीं है ना वो सब करना, और थोड़ा लगी तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, सूजन तो थोड़ा है, लगी है तो थोड़ा तो दर्द होगा उस टाइप से बोल रहे थे डॉक्टर जी। देखते हैं गाइस अभी बात करने से थोड़ा बात करेंगे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो ये गाइस अभी आके मैं पूरा घर मेरा फैला हुआ ही है, पूरा गंदा सा लग रहा है, शाम हो गया बट मैं अभी अंदर ही झाड़ू करके रख दूँगी, बाहर नहीं निकालते हैं शाम को झाड़ू करके। तो मैं अभी फटाफट से झाड़ू कर लेती हूँ और सारा एक सा करती हूँ, साथ में चाय बिठाती हूँ। मुझको थोड़ा सा सिर दुखने टाइप से लग रहा है, थोड़ा मोमो खाने मन कर रहे हैं बट क्या करूँ, बारिश भी हो रही है। राजीव का थोड़ा लेट होगा घर घुसते 8 बजे का, तो उतना देर तक नहीं रुक सकता है, तो देखते हैं चाय के साथ चाय और मोरी कुछ ऐसे ही खाना पड़ेगा गाइस। तो चलिए फिर मैं फटाफट से चेंज वेंज करने के बाद पूरा घर सबको क्लीन अप करने के बाद चाय पीने के बाद इबू को स्टडी थोड़ा बिठाऊंगी, होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट कराती हूँ, उसके बाद कल स्कूल भी जाना है। कल पीटी ड्रेस तो सू एंड सॉक्स हम लोग लिया नहीं है, राजीव अभी लेते हुए आएंगे तो कहाँ से लेना है पता नहीं गाइस। ठीक है फिर मिलते हैं, रुक के। सो गाइस तो मेरा डिनर का तैयारी भी हो गया है और यहाँ पे मैंने मूंग दाल बना दिया इबू के लिए थोड़ा, और यह है मछली फ्राई कर लिया है, और हम लोग के लिए मैं रोटी बना लूँगी। तो चलिए फिर गाइस आज का मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।